चांदी का सब सामान है, सोना का सामान क्या है? चांदी का पायल है, चाबी है, नागपुर एक होता है स्टोन वाला वो भी है, बाकी सोना का भारी सेट मेरा घर से जो मिला बाजी दी, जितना भी पूरा लिस्ट है, ब्रेसलेट है, चेन है, सब कुछ, मतलब पूरा का पूरा गायब है। जो भी है, कोई भी लॉक तोड़ा नहीं गया है, कोई भी लॉक तोड़ा नहीं है, हम लोग ने लॉक देखा प्रॉपर, और पुलिस भी आकर के लॉक वगैरह देख रहे थे, तो लोग ने भी पाया कि कोई तोड़ा नहीं है। डुप्लीकेट चाबी वगैरह ये अप्रोक्सीमेट 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख के अबव भी जा सकता है। दो सेट है जो मेरे घर से मिला, इनके घर से मिला, शादी में सब, शादी के जेवर, अभी 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 शादी हुआ है, हाँ नहीं एक साल अभी हुआ नहीं, एक साल होगा अभी, हुआ नहीं है, हाँ एक साल अभी होना बाकी है। तो मेरी बहन जो सेट दी वो सेट है, ब्रेसलेट है, चेन है, इनका फिंगर रिंग है, मेरे फैमिली से जो फिंगर रिंग लड़का को दिया जाता है दामाद को, वो फिंगर रिंग है, इनके घर से जो मिला गिफ्ट में जो मिला, इनके मामा एक दिए थे फिंगर रिंग हमको, कान का इयर रिंग दिए थे, इनकी बहन दी थी, मतलब सब कुछ पूरा सोना का जितना सामान है सब गायब है। वन बाई वन जानना का रोड है, कोलकाता 17 सेकेंड फ्लोर, थाना क्या पड़ता है? बनिया पुकुर पड़ता है सर। लाल बाजार को इन्फॉर्म किया था, तो लाल बाजार ने हमारे लोकल पीएस के भी जो ऑफिसर्स हैं वो भी आए, और कुछ लगता है कि उन लोगों ने लाल बाजार का भी कोई ऑफिसर आया, मैं नहीं जानता कि कौन लाल बाजार से है कौन बनियापुर से। ये ऐसी टान रहे लॉक था, हेलो चलो ठीक है, अंदर से चाबी निकाला बैग से, जब खोल के देख रहे सब सामान ऐसे ही सजा हुआ, जब खोलने गए खोल के सब देख रहे हैं, मतलब सब सामान है, ये डब्बा है, सामान नहीं है, सब खुदी का सामान है, सोना का नहीं है, ये खुला हुआ था, ये लॉक था, ये दोनों डॉक्यूमेंट है मेरा सब कॉलेज के स्कूल। मेरे पापा अचानक इंतकाल हो गए थे हार्ट अटैक से, तो उन्हीं का 40 डेज कल था, तो उसी में हम लोग गए हुए थे, कल शाम से 5:30 बजे निकल गए थे, हम आए थे यहाँ चेंज करने या कुछ पहनने वहनने, तो पहन वहन के हम अपना निकल गए थे, तो और उसके बाद अभी हम मेरे ससुर भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनको देख कर हम डायरेक्ट यहीं पर आ रहे हैं, 8:40 हो रहा था शायद उसी वक्त आए, आके देख रहे गेट मेरा खुला हुआ है, ऐसा नहीं कि तोड़ दिया कोई लॉक, लॉक खुला हुआ नहीं, मतलब लॉक टूटा हुआ नहीं है, गेट खुला हुआ, तो बगल बगल से उसी वक्त पूछने का, हालांकि कोई आया था क्या मेरे घर में, तो सब बोला हम लोग सो के थे, हम लोगों को नहीं पता, अंदर घुस के देख रहे हैं मेरा जेवर का बक्सा एक कोना में रखा हुआ, ये बड़ा वाला जो ये हम जल्दी पहनते नहीं, इन लोगों का घर से हमको मिला ये दिए, तो ये जल्दी हम पहनते नहीं, कहीं बड़ा पार्टी होता तभी पहनते, बहुत वेट वाला है, तो ये वहां रखा हुआ, और ये जेवर सिर्फ हम निकालते, मेरे पास चाबी रहता है अंगमारी का, इनके पास नहीं क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, तो हम जल्दी से अंगमारी खोल, जब इसको खोल के देख रहे पूरा खाली हो रहा है, बस वही हम घबरा के अंगमारी खोलने के, तो लॉकर लॉक किया हुआ, हम चाबी निकाल के खोलने गए, डब्बा सब रखा हुआ है, खोलते जा रहे सबका सामान गायब है, ये खोला अंदर से निकाल के इसका सामान गायब, ये खोल ले इसका सामान गायब, सब सबका सामान गायब है, ब्रेसलेट था मेरी बहन, ब्रेसलेट थी, सब बाकी सामान, चांदी का सब सामान है, सोना का सामान गायब है, चांदी का पायल है, चाबी है, नागपुर एक होता है स्टोन वाला वो भी है, बाकी सोना का भारी सेट मेरा घर से जो मिला बाजी दी, जितना भी पूरा लिस्ट है, ब्रेसलेट है, चेन है, सब कुछ, मतलब पूरा का पूरा गायब है, इनका घर से जो मिला कान का, गला का, हाथ का, सब कुछ पूरा एकदम सोना का जितना चीज़ है पूरा गायब है, ऊपर से नीचे तक, अब किस पे शक बोल पाएंगे हम लोग, खुद आइडिया नहीं, समझ ही नहीं पा रहा कि ऐसा हुआ कैसे। आप लोग आने के बाद आसपास के लोगों से पूछा? सबसे पूछे, सब बोले हम लोग सो के हैं, कोई खबर नहीं, और मेरा गेट इस तरह का है, अगर आप खोलिएगा ढंग से आवाज आएगा, गोल्ड अंदर वाला लॉक है, हाँ बाहर का खुला हुआ है, जो भी कोई भी लॉक तोड़ा नहीं गया है, कोई भी लॉक तोड़ा नहीं है, हम लोग ने लॉक देखा प्रॉपर, और पुलिस भी आकर के लॉक वगैरह देख रहे थे, तो लोग ने भी पाया कि कोई तोड़ा नहीं है, डुप्लीकेट चाबी वगैरह ये गया था? ये तो हम लोग नहीं बोल सकते। चाबी कितना है ये बताइए आप? चाबी कितना है? चाबी दो चाबी रहता था? है, एक मेरी वाइफ के पास रहता है, एक चाबी मेरे पास रहता है जी। पुलिस को कब इन्फॉर्म किया? उसी वक्त कंट्रोल रूम लाल बाजार में हम लोगों ने इन्फॉर्म किया कि हमारे घर पे ऐसा घटना घटा है, सर आप कोई पुलिस को भेजिए, तो उन्होंने इमिडिएटली पुलिस इमिडिएटली मतलब 10 से 10 मिनट के अंदर मेरे घर पे पुलिस आ गई। हमने देखा कि आपका घर का साइज कुछ 150-200 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं, कितने लोग रहते हैं? मैं हम लोग हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, सिर्फ आप लोग दो जन जी, जी उसके अलावा लोग आते जाते, अगर किसी पे शक हो आपको
हम लोग को तो ऐसे नहीं बोल सकते सर, किसी हम लोग देखे नहीं है। सीसीटीवी फुटेज निकला है अभी तक? नहीं सर, वो तो इन्वेस्टिगेशन का चल रहा है अभी, एट प्रेजेंट मोमेंट इन्वेस्टिगेशन में है, वो तो हम लोग नहीं बता सकते। आपके बिल्डिंग में आस पड़ोस में कहीं सीसीटीवी लगा है? जी हाँ, बराबर लगा है, गली में सीसीटीवी लगा है, ठीक है ना सर, बट वो इन्वेस्टिगेशन में है, वो अभी हम लोग नहीं बता सकते। कितने लाख का सामान आपका चोरी हुआ है? अप्रोक्सीमेट 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख के अबव भी जा सकता है। अभी हम लोग मिलाए नहीं है, अभी मिलाए नहीं है लिस्ट से, और सारा का बिल्स है हमारे पास, ठीक है ना, और सब ब्रेसलेट है, सब प्रॉपर। दो सेट है जो मेरे घर से मिला, इनके घर से मिला, पूरा लिस्ट शादी में, सब शादी के जेवर, अभी शादी हुआ है, हाँ नहीं एक साल अभी हुआ नहीं है, एक साल होगा अभी, हुआ नहीं है, हाँ एक साल अभी होना बाकी है। तो मेरी बहन जो सेट थी वो सेट है, ब्रेसलेट है, चेन है, इनका फिंगर रिंग है, मेरे फैमिली से जो फिंगर रिंग लड़का को दिया जाता है दामाद को, वो फिंगर रिंग है, इनके घर से जो मिला गिफ्ट में जो मिला, इनके मामा एक दिए थे फिंगर रिंग हमको, कान का इयर रिंग दिए थे, इनकी बहन दी थी, मतलब सब कुछ पूरा सोना का जितना सामान है सब गायब है, पूरा चांदी का पायल रखा हुआ जो मेरी मम्मी बना के गई थी मेरे लिए, वो रखा हुआ है, चाबी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ, चांदी का जितना चीज रखा हुआ, सिक्का था, सिक्का गया, अलमारी से चोरी हुआ, बाकी कुछ सामान चोरी, कोई सामान हिला हुआ नहीं, सब सामान मेरा घर एकदम सही है, जैसे रखे गए थे वैसे ही घर है, कुछ सामान हिला हुआ नहीं है, सिर्फ लॉकर से सोना का सामान मेरा गायब हुआ, कैश 5,000 था मेरा, ऐसे आदमी रखता नहीं है जमा करके, किसी घर जा रहे तो कुछ लेकर जाना है, तो उसके लिए हम रखते थे, निकाला लेके चले गए, तो वो 5,000 नहीं है बस, बाकी सोना का सामान नहीं। मम्मी का चेन था, मेरी मम्मी इंतकाल हो गई थी शादी से कुछ साल पहले, तो उनका चेन गला में पहन के रहती थी, वो चेन वो हमको दे दी, तो निशानी के तौर पे हम इनकी मम्मी को बोला, अपनी सास को, कि आप निशानी के तौर पे अपने पास रखिएगा, तो वो बोली भी पतला चेन पहनते रहो, डेली होना डेली हम नहीं पहनेंगे, मेरी मम्मी का चीज़ है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, रख दीजिए हिफाजत से, वो उठा के रख दी थी। अचानक एक दिन किसी का रिलेटिव का शादी था, हमको जाना था, तो उनसे माँ का, उन्हीं के पास सेट रहता था मेरा जब से शादी हुआ, तो उनसे मांग के पहनते थे, फिर उनको हैंड ओवर कर देते थे। दिन पहले ये चोरी हुआ था, जो ये चोरी हुआ 2 महीना होता होगा, उसके बाद फिर आज हुआ, वो मेरी मम्मी का चेन पूरा गायब हो गया। नहीं कुछ नहीं, घर का मैटर था, घर का मैटर था कि मतलब छोटा नॉर्मल चीज है, अब उसकी वो भी 50,000 रुपए, अगर 10 ग्राम है तो 50,000 रुपया, आप जानते हैं क्योंकि सोना महंगा है, बाहर से मेरे पास मिनिमम 10 ग्राम भी होगा तो 50,000 रुपया का होगा।